इंग्लैंड के एक्सीटर शहर में फौज ने दूजे विश्व युद्ध के एक आने वाले बंब को नष्ट किया है। जब बंब को रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाया गया तो इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर की दूरी से स्थित घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। रिहायशी खेत्र में 900 किलोग्राम का बंब मिलने तो बाद आसपास के खेत्र में भी खोज मुहिम चलाई जा रही है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस खेत्र में होर भी जिंदा बंब मिल सकते हैं, जे समय सिर ना लभे गए तो वड्डा हादसा वापर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध तो 2 दिन बाद भी निवासी ने उन्होंने घर वापस जाने की आज्ञा नहीं दी गई। पुलिस का कहना कि असं इस खेत्र की सुरक्षा यकीनी बनाने तो बाद ही आज्ञा देवे। मनिया जाता है कि यह बंब ब्रिटेन के एक्सीटर शहर उत्ते हिटलर की जर्मनी की नाजी सेना ने सुटिया जो एक्सीटर यूनीवर्सिटी के कंपलैक्स लभ्या। बंब नष्ट करने लगभग 2600 घर में रहने वाले लोगों और यूनीवर्सिटी के 1400 विद्यार्थियों सुरक्षित थावां पर भेजा गया है। उक्त बंब को एतवार शामी 6:10 बजे नियंत्रित धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया। धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि यह गूंज करीब 10 किलोमीटर दूर तो सुनाई दी। आवाज़ एकम टीवी लिए मनप्रीत सिंह बदनी कलां की रिपोर्ट। इंग्लैंड के एक्सीटर शहर में फौज ने दूजे विश्व युद्ध के एक आने वाले बंब को नष्ट किया है। जब बंब को रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाया गया तो इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर की दूरी से स्थित घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। रिहायशी खेत्र में 900 किलोग्राम का बंब मिलने तो बाद आसपास के खेत्र में भी खोज मुहिम चलाई जा रही है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस खेत्र में होर भी जिंदा बंब मिल सकते हैं, जे समय सिर ना लभे गए तो वड्डा हादसा वापर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध तो 2 दिन बाद भी निवासी ने उन्होंने घर वापस जाने की आज्ञा नहीं दी गई। पुलिस का कहना कि असं इस खेत्र की सुरक्षा यकीनी बनाने तो बाद ही आज्ञा देवे। मनिया जाता है कि यह बंब ब्रिटेन के एक्सीटर शहर उत्ते हिटलर की जर्मनी की नाजी सेना ने सुटिया जो एक्सीटर यूनीवर्सिटी के कंपलैक्स च लभ्या। बंब नष्ट करने लगभग 2600 घर में रहने वाले लोगों और यूनीवर्सिटी के 1400 विद्यार्थियों को सुरक्षित थावां पर भेजा गया है। उक्त बंब को एतवार शामी 6:10 बजे नियंत्रित धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया। धमाका इन्ना जबरदस्त था कि यह गूंज करीब 10 किलोमीटर दूर तो सुनाई दी। आवाज़ एकम टीवी लिए मनप्रीत सिंह बदनी कलां की रिपोर्ट। इंग्लैंड के एक्सीटर शहर में फौज ने दूजे विश्व युद्ध के एक आने वाले बंब को नष्ट किया है। जब बंब को रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाया गया तो इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर की दूरी से स्थित घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। रिहायशी खेत्र में 900 किलोग्राम का बंब मिलने तो बाद आसपास के खेत्र में भी खोज मुहिम चलाई जा रही है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस खेत्र में होर भी जिंदा बंब मिल सकते हैं, जे समय सिर ना लभे गए तो वड्डा हादसा वापर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध तो 2 दिन बाद भी निवासी ने उन्होंने घर वापस जाने की आज्ञा नहीं दी गई। पुलिस का कहना कि असं इस खेत्र की सुरक्षा यकीनी बनाने तो बाद ही आज्ञा देवे। मनिया जाता है कि यह बंब ब्रिटेन के एक्सीटर शहर उत्ते हिटलर की जर्मनी की नाजी सेना ने सुटिया जो एक्सीटर यूनीवर्सिटी के कंपलैक्स च लभ्या। बंब नष्ट करने लगभग 2600 घर में रहने वाले लोगों और यूनीवर्सिटी के 1400 विद्यार्थियों को सुरक्षित थावां पर भेजा गया है। उक्त बंब को एतवार शामी 6:10 बजे नियंत्रित धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया। धमाका इन्ना जबरदस्त था कि यह गूंज करीब 10 किलोमीटर दूर तो सुनाई दी। आवाज़ एकम टीवी लिए मनप्रीत सिंह बदनी कलां की रिपोर्ट।